वेलकम टू माई चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू डो नो द लेटेस्ट क्यू कार्ड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परसपेक्टिव सो हमारे स्टेटमेंट आई डिस्क्राइब अ जॉब यू थिंक इज़ इंटरेस्टिंग कि कोई भी जॉब को डिस्क्राइब करो जो आपको लगती है जो आप सोचते हो कि इंटरेस्टिंग है यू शुड से वट इट इज़ की जॉब क्या है वाई डू यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग और आपको क्यों लगता है कि ये जॉब इंटरेस्टिंग है हाउ डू यू नो इट और आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता है फुटनेससरी स्किल्स डज इट नीड और इस जॉब को करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है कौन कौन से स्किल्स कैंडिडेट के पास होनी चाहिए लेट सी योर सैम्पल आंसर वेल अ जॉब हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ एवरी वन लाइफ इन ऑर्डर टू लीव अ कम्फर्टेबल लाइफ कि जॉब हर किसी की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इन ऑर्डर टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पार्ट एंड पार्सल इज ऑल्सो इन ईडियम की एक ईडियम है जो जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्दो आई एम एक्वेंटेड विथ वेरियस इंटरेस्टिंग करियर ऑल्दो आई एम फेमिलियर विद एक्वेंटेड मीन्स फेमिलियर कि वैसे तो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग करियर के साथ फेमिलियर हूँ बट हीयर आई वुड लाइक टू मैंशन वन पर्टिकुलर ऑक्युपेशन बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पर्टिकुलर जॉब को मेंशन करना चाहूँगा दैट आई थिंक इज द मोस्ट एंगेजिंग कि जो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा एंगेजिंग है एंगेजिंग मीन्स इंटरेस्टिंग है द टाइटल ऑफ द जॉब इज कॉन्टेंट राइटर तो मैं जॉब की बात कर रहा हूँ कि जॉब है कॉन्टेंट राइटर की इन दिस एम्प्लॉयमेंट इन दिस जॉब द पर्सन नीड्स टू राइट द स्क्रिप्ट कि इसमें पर्सन को स्क्रिप्ट लिखनी होती है आफ्टर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस और बाय यूजिंग हिज और हर क्रिएटिविटी कि चाहे तो वो डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करे और या फिर अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आई फाइंड दिस जॉब अपीलिंग आई फाइंड दिस जॉब इंटरेस्टिंग कि मेरे को ये वाली जॉब इंटरेस्टिंग लगी फॉर अ वाइटी ऑफ रीजन बहुत सारे रीजनस के कारण द प्रोमिनेट वन इज़ दैट मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है सबसे जरूरी क्या थे दैट ड्यू टू दिस जॉब कि इस जॉब के कारण अ पर्सन डज नॉट अ पर्सन नॉट ओनली गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मल्टीपल सैनिक लोकेशंस कि इस जॉब के कारण पर्सन को सिर्फ ये मौका नहीं मिलता कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जाए सैनिक मीन्स ब्यूटिफुल लोकेशंस पर जाए फ्री ऑफ चार्ज वो भी फ्री ऑफ चार्ज बट ऑल्सो गेट्स अ चांस बट साथ में ही मौका मिलता है टू मीट अ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस कल्चर्स बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है वो जो कि अलग background अलग बैकग्राउंड से होते हैं अलग अलग कल्चर से होते हैं आप इसमें यहाँ एड भी कर सकते हो कि दे गेट्स अ चांस ऑल्सो गेट्स अ चांस टू मीट सम फॉरनर्स द अदर वन इज दैट और दूसरा इन दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को ये जॉब इंटरेस्ट है दैट इट एक्ट्स एज अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी अलॉन्ग विद हैंडसम सैलरी कि दूसरा ये है कि एक तो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है ट्रैवल करना है घूमना है अलॉन्ग विद हैंडसम सैलरी और साथ में ही काफ़ी अच्छी पे भी सी मिलती है मोर ओवर दिस ब्रॉडेंस द द्रामाइंड्स प्रस्पेक्टिव्स ब्रॉडेंस का मतलब होता है इनहैंस करना कि इसके कारण जो माइंड के प्रस्पेक्टिवस हैं वो भी एनहेंस होते हैं प्रस्पेक्टिस का मतलब होता है व्यूज द आई केम टू नो अबाउट दिस पोजिशन वाया माई एलिमेंट्री स्कूल टीचर कि मेरे को इस पोजिशन इस जॉब के बारे में पता चला मेरे एलिमेंट्री स्कूल टीचर से एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी स्कूल टीचर से हु माइम मेट लास्ट वीक जिनको मैं लास्ट वीक ही मिला मिला था एट माई स्कूल्स एनुअल फंक्शन मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन पर शी यूज टू टीचर्स ड्राॅइंग एंड जनरल नॉलेज एज वेल वो हमें ड्राइंग और जनरल नॉलेज सिखाती थी बट नाउ शी इज़ वर्किंग एज अ कॉन्टेंट राइटर इन अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन बट अब वो एक एज अ कॉन्टेंट राइटर वर्क कर रही है एक मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन में मल्टी नेशनल कंपनी में आप इसमें एक ये लाइन भी ऐड कर सकते हो शी टोल्ड मी अबाउट दिस जॉब थोरो उन्होंने मैं इसको इस जॉब के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्म किया इफ़ आई टॉक अबाउट द स्किल्स दिस जॉब रिक्वायर्स कि अगर मैं बात करूँ कि इस जॉब को करने के लिए कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए देर आर सो मैनी बहुत सारी होनी चाहिए एट फर्स्ट स्टार्ट फर्स्ट ये है कि अ पर्सन शुड हैव अ हॉबी ऑफ ट्रैवलिंग कि जो भी पर्सन इस जॉब को करना चाहता है उसके अंदर हॉबी के ट्रैवलिंग होनी चाहिए हैव गुड फोटोग्राफिक स्किल्स व्यूज़ को रिकॉर्ड करने के लिए उनके पास अच्छी फोटोग्राफिक स्किल्स होनी चाहिए मोर ओवर द कैंडिडेट्स कम्युनिकेशनल स्किल्स एंड एसेंट शुड बी फ्लॉलेस कि जो कैंडिडेट की कॉम्युनिकेशनल स्किल्स है लोगों से बात करने का तरीका है एक्सेंट है शुड बी फ्लॉलेस फ्लॉलेस का मतलब जब फ्लो का मतलब होता है एररलेस का मतलब कम कि एरर फ्री होना चाहिए फ्लोलेस का मतलब एरर फ्री होना चाहिए ओके okay, आप इसमें यह भी ऐड कर सकते हो द कैंडिडेट शुड बी मल्टी लैंग्वेज कि उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आने चाहिए सो ही और शी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद फॉर्नर्स ओके असाइड फ्रॉम दैट और इन क्वालिटीज़ के अलावा अ पर्सन शुड हैव अ शार्प मेमरी एंड इमेजिनेशन और उस पर्सन के पास एक शार्प मेमरी भी होनी चाहिए और इमेजिनेशन भी अच्छी होनी चाहिए लास्टली आई वुड से तो लास्ट में मैं कहूँगा दिस इज़ द जॉब आई बिलीव कि ये वाली जॉब है जो मेरे को लगता है इज़ अ मोस्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट वाली है सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फर्गेट टू लाइक शर एंड सब्सक्राइब